डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। एएमयू का अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है वो रिलीज़ की गई है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो वो आप कहाँ से कैसे किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया है तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपको करना क्या क्या होता है कि अपने ब्राउज़र ओपन करने होंगे, गूगल ब्राउज़र, जिसे वहाँ पर टाइप करनी होती है एएमयू 2022 IAS पेपर देने। वहाँ पर टाइप करने के बाद आपको सर्च करनी होती है, सर्च करने के बाद आपको एक्जैक्टली ये फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करनी होती है। फिर आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे IAS पेपर का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको लिखा जाता है टाइटल में कि एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दी गई ओके करेक्शन करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे करेक्शन करते हैं, कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन स्टार्टेड ईयर। सो यहाँ से 25th मे को किया गया थ्रू CUET UG। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे जिसमें आपको अपना फुल नेम फिल करनी होती है, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करनी होती है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सा कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, कौन से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से, जितनी भी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे जरूर क्लिक करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी के थ्रू जो है फ्री ऑफ कॉस्टली आपको SMS मिलता रहेगा। किसके रिलेटेड? बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड सजेशन आएंगे आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर। तो आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कीजिए। ओके, सो आगे चलते हैं जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस के लिए हम बढ़ेंगे। तो क्लिक हियर पे क्लिक करनी पड़ेगी डिटेल्स के लिए, तो जस्ट क्लिक कीजिए और जब आप क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होते हैं। यहाँ पर एडिट करने के लिए लिंक दी जाएगी, तो ये रहा लिंक, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस होंगे करने को मिलेगा। तो ये रहा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि लॉगिन करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन करने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी करेक्शन करनी होगी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सो उसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर याद होना चाहिए, या फिर चाहिए यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए, वो यहाँ पर फिल करनी होती है। और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय, एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन का जो पासवर्ड होता है वो दोनों जनरेट होता है, फिर आप क्रिएट करते हैं ना पासवर्ड, तो पासवर्ड तो आपका ही रहेगा, बट ये सभी डिटेल्स आपको दोनों फिल करनी है। नेक्स्ट वन इज़ योर एंटर द सिक्योरिटी पिन, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी पिन, एग्जैक्टली इसे पे क्लिक करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है तो आप इस इमेज पे आपको क्लिक करना, तो यहाँ पर आप चेंज होता है ये इमेज, ये रहा चेंज 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 चेंज, ये इस तरह से सभी चीज़ें हैं। फिर आप क्या करेंगे, इंटर सिक्योरिटी पिन टाइप करेंगे, लॉगिन कर देंगे, जिससे वजह से क्या होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने के लिए ओपन हो जाएंगे और उसके बाद जो भी करेक्शंस करनी है आप कर सकते हैं इजीली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।